दोस्तों कैसे हो आप सभी। लॉकडाउन में कैसे दिन कट रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आस्क हैप्पी एपिसोड के बारे में। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों ने भर डाला हुआ है, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग का लॉकडाउन में कैसी लाइफ चल रही है, कैसा मतलब आप लोग फील कर रहे हो, क्या आप लोग हेल्थ का ध्यान रख रहे हो या नहीं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। इसी के साथ ही साथ जो मोदी जी ने हमें कहा है कि भाई 21 दिन का लॉकडाउन हमें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तो वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद ले लेते हैं आज का भी पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है महावीर सिंह का, और महावीर सिंह जी बोल रहे हैं कि भाई बेस्ट 55 इंच टीवी बताइए, बजट है उनका 40,000, स्मार्ट टीवी चाहिए, ज़्यादातर नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो एंड क्रिकेट। महावीर जी मेरे हिसाब से अगर मैं बेस्ट 55 इंच 40,000 के बजट में देखो तो एक ही टीवी मुझे नज़र आती है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई वीयू की, वीयू प्रीमियम एंड्रॉयड सीरीज 2020 वाली। मैं उसको आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप वो टीवी परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ आपने जैसा किया कि यहाँ पे आपको क्रिकेट मोड भी चाहिए, तो क्रिकेट मोड यहाँ पे इस टीवी का एक्सेलेंट है। मतलब बाकी अगर बजट टीवी में अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो टीवी का जो टीवी मोड दिया गया बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा और आप इसको ज़रूर कंसिडर करिए, और कोशिश करूँगा कि इसके जो बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। उसके बाद अगला सवाल है हरि कुमार जी का। हरि कुमार जी बोल रहे हैं कि भाई आपको कस्टम चार्ज कितना लगा था। ये मेरे एक जो S96 एंड्रॉयड बॉक्स है या फिर जो S96 मिनी है उस पर कमेंट आया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप अगर चाइना से कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको कस्टम चार्ज जो लगता है वो 7,500 रुपये के ऊपर, 7,500 रुपीज़ का अगर प्रोडक्ट है उस पर ही लगेगा। अगर आपका प्रोडक्ट उससे कम वैल्यू का है तो आपको कस्टम चार्ज नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से मेरा भी जो प्रोडक्ट था 2,500 रुपये के आसपास था, तो मुझे उसमें कोई भी कस्टम चार्ज नहीं लगा था, बिना कस्टम ड्यूटी के मेरे घर पर सेफली आ गया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा नहीं होता कि मुझे कस्टम के पास जाके रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई मुझे मेरा प्रोडक्ट रिलीज़ करो, क्यों आपने अटका के रखा, तो ऐसा कुछ भी ट्रबल मुझे नहीं हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। आगे लिखा है टॉम जी ने। टॉम जी बोल रहे भाई कि क्रिएट कंटेंट, कीप इट अप ब्रो। थैंक्स टॉम, आपके मैंने ऑब्जर्व किया कि आप हमारे वीडियो पे हमेशा फर्स्ट कमेंट आता है, और आपका जो कमेंट है काफ़ी पॉजिटिव और हमें बहुत अच्छा फील कराता है और एक मोटिवेशन देता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू। अब ले लेते हैं अगले सवाल को। तो यहाँ पे विकास चड्डा जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे LG डुअल इन्वर्टर AC वर्सेज जनरल फिक्स स्पीड AC वर्सेज मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड फिक्स AC विच इज़ बेस्ट एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद LG डुअल इन्वर्टर AC कूलिंग वाइज, इलेक्ट्रिसिटी वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। तो आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, तो एक एक करके उसका जवाब देना पसंद करूँगा। यहाँ पे LG डुअल इन्वर्टर AC को अगर मैं कंपेयर करूँ Mitsubishi के टीवी AC से, उसी के साथ ही साथ जो दूसरा AC है ओ जनरल का, तो यहाँ पे डेफिनेटली Mitsubishi का जो हैवी ड्यूटी वाला AC है वो ऑसम है। उसकी कूलिंग को कोई भी AC से आप कंपेयर नहीं कर सकते, और उसकी प्राइसिंग भी उसी के हिसाब से है, और उसकी सर्विसिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है, हर चीज़ में वो प्लस पॉइंट में जाता है। सिमिलरली ओ जनरल की भी AC उसी लेवल में आ जाती है। मतलब अगर मैं लेवल फर्स्ट के अगर AC कंसीडर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो ही ब्रांड नज़र आते हैं, एक तो है Mitsubishi का और दूसरा है ओ जनरल का। उसके बाद बात आती है LG डुअल इन्वर्टर की, तो वो आपको मैं सेकेंड कैटेगरी में कंसिडर करूँगा, और वहाँ पर LG का डुअल इन्वर्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैं काफ़ी साल मतलब एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया अभी मैंने रिसेंटली 1 ईयर रिव्यू का, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाइज, तो इलेक्ट्रिसिटी वाइज मैं कहना चाहूँगा देखो भाई मैंने काफ़ी पैसे उसमें सेव किए इन टर्म्स ऑफ, बोलते हैं ना जब मेरा बिल आता था समझ लो 2,000 रुपया बिना AC का, AC लगाने का सिर्फ मुझे 300 रुपये का फ़र्क पड़ा। तो 300 रुपया मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि मतलब मेरा कंप्लीटली मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है बढ़ गया या डबल हो गया, सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ देने पड़े, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ साथ जब LG डुअल इन्वर्टर AC की बात करें तो वहाँ पे एनर्जी कंट्रोल का जो फीचर है काफ़ी अच्छा है, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो आसिफ हबीब जी ने पूछा है, वो बोल रहे हैं कि 40 पे कूलिंग में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा सर,
तो यहाँ पे आसिफ भाई मैं कहना चाहूँगा, देखो कूलिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मतलब आपको जो 18 पे आप रख रहे हो नॉर्मल, अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं किया, मतलब ये क्या बोलते हैं एनर्जी कंट्रोल अगर आपने ऑन नहीं किया है, और अगर आप 40 पे रख रहे हो थोड़ा सा कूलिंग का फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग होने लगे, तो इस चीज़ का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि आपका दूसरी, अगर आप पॉजिटिव साइज में सोचे तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा है और आपके जो बिल है वो भी बच रहे हैं, तो और क्या चाहिए, आपको पैसे भी बच गए, एसी भी मिल रही है, बस और क्या चाहिए। ले लेते हैं अभी अगले सवाल को। तो यहाँ पे मेहताब आलम बोल रहे कि क्या ये टीवी टिकाऊ होती है सोनी सैमसंग की तरह। तो आई थिंक ये मेरा जो वीडियो था एक टीवी कंपैरिजन के ऊपर, उन्होंने पूछा है एक बजट टीवी जहाँ पे मैंने कंपेयर की थी उसी का, तो मैंने नॉन बजट भी लिया था, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अब अगर हम लोग बजट टीवी से अगर नॉन बजट वाले को कंसिडर करें तो क्या ये टिकाऊ है या नहीं। तो फिर देखो यार, इतना याद रखना कि अगर आप बजट टीवी लेते हो तो बजट टीवी में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लस माइनस आपको देखने मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ फीचर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एलजी सोनी सैमसंग से आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी और दूसरे जो बजट ब्रांड होते हैं उसकी पिक्चर क्वालिटी में बहुत फर्क होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप बजट वाली चीज़ ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आप कंपेयर भी मत कीजिए। और बात रही यहाँ की टिकाऊ की, तो ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं बोलता कि ये टीवी मेरी 5 साल चलेगी या फिर ये मेरी टीवी आने वाले 10 साल में एकदम मस्त चलने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसा कोई भी ब्रांड बोल नहीं सकता। तो यहाँ तक मैं भी बोल नहीं सकता कि कौन सी टीवी टिकेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और वो उसका कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म भी चल सकता है, तो उसमें हमको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट है नॉन बजट का, मतलब आप सोनी सैमसंग का, तो वो लीजिए, उसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, ऊपर लिंक आ जाएगा, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। इसी के साथ अगर बजट देख रहे हो तो बजट वाले भी आपको टीवी मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे वीडियो बनी है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है यहाँ पे हरेश देसाई का, और वो बोल रहे हैं एब्सोल्यूट अनबायस्ड रिकमेंडेशन, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई रिफ्रेश रेट 60 ऑलमोस्ट सब बजट टीवी में होता है, क्या है ये एनफ है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा हरेश भाई कि ये देखो रिफ्रेश रेट का काम क्या है। तो ये रिफ्रेश रेट बेसिकली करता क्या है कि यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ का अगर स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिल रहा है यहाँ पे, तो मतलब उतने फ्रेम्स पर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी बोलते हैं ना टीवी में कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो, उस समय उतने मतलब जितना भी रिफ्रेश रेट है उतना आपको पर सेकंड दिखाई दिया जाएगा, रिफ्रेश रेट का काम उतना ही होता है। और 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट एक स्टैंडर्ड हर एक टीवी में मिल रहा है, और नॉर्मली मतलब एक बोलते हैं ना एक ह्यूमन की आई से अगर आप कंसीडर करोगे या उतना वो इजीली देख पाएगा नेकेड आई से या फिर स्पेक्स है, तो फिर दोनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 60 हर्ट्ज के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड रिफ्रेश परफेक्ट है। और यहाँ पे आपने आगे भी पूछा है कि यहाँ पे मुझे 43 इंच एंड्रॉयड टीवी ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाला रिकमेंड करो, बजट है 30 से 40 हज़ार, थैंक यू। तो हरेश भाई मेरे हिसाब से मैंने आपके एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया जहाँ पे बेस्ट 43 इंच टीवी को कंसीडर किया है, वहाँ पे आपको बजट नॉन बजट दोनों मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ अगर बात करें आपको स्पेसिफिक टीवी लेने के लिए बेस्ट 43 इंच, तो आज के तारीख में मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड आ जाते हैं, लेकिन अगर मुझे आप एक टीवी रिकमेंड करोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सैनियो के कैजन सीरीज़ को ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी टीवी है, आईपीएस पैनल के साथ आती है। इसी के साथ ही साथ जो दूसरा टीवी होगा मेरे लिस्ट में, तो मैं रिव्यू की प्रीमियम एंड्रॉयड सीरीज़ को रिकमेंड करूँगा जो 2020 में लॉन्च हुई, तो ये आप दोनों टीवी को ले सकते हो। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बजट भी 30 से 40 हज़ार का है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। और यहाँ पे स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे, मैंने एक बार कमेंट रीड करा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आईपीएस पैनल और वीए पैनल में डिफरेंस क्या है या फिर कौन सा बेटर होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों यार, यहाँ पे आईपीएस पैनल और वीए पैनल में दोनों में बहुत ही फर्क है। अगर आप देखोगे आईपीएस पैनल आपको अच्छे व्यू एंगल्स देता है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है एक आईपीएस पैनल में। लेकिन जहाँ पे बात करें वीए पैनल के बारे में, तो वीए पैनल आपको अच्छे व्यू एंगल्स नहीं देंगे, लेकिन आपको जो पिक्चर क्वालिटी या फिर कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा देखने मिलता है आपको वीए पैनल में। तो अगर आपको पिक्चर क्वालिटी आपको मैटर करती है, ऑब्वियसली हर एक जो भी टीवी लेगा उसको पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको व्यूइंग एंगल्स भी अच्छी चाहिए, तो वहाँ पे आप आईपीएस पैनल को डेफिनेटली कंसीडर कीजिए। अगर आपको सामने ही बैठ के देख रहे हो टीवी को, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको बाजू से देखना पड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली वीए पैनल ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी आईपीएस पैनल से हमेशा अच्छी होती है। और इसी के साथ ही साथ काफ़ी लोग ने मुझसे पूछा कि एलजी का जो UM7300 और
और सैमसंग RU7470 ये जो मॉडल है उस पर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि कौन सी टीवी ले। तो मेरे हिसाब से देखो यार, दोनों टीवी में फ़र्क है काफ़ी, मतलब आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलेगा। किसमें LG में मिलेगा आपको वेब OS, सैमसंग दे रहा है आपको टाइजन OS, वहाँ पे भी पिक्चर क्वालिटी में पैनल यूज़ कर रहा है IPS का LG वाला, सैमसंग यूज़ कर रहा है भी ये पैनल। तो यहाँ पे फ़र्क तो है ही है कि उनके बोलते हैं ना फीचर्स और उनके बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे अगर आपके बजट में जो टीवी बैठ रही है, दोनों टीवी अच्छी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा पिक्चर क्वालिटी में आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि 19-20 का फर्क है वो इजीली मैनेजेबल है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कौन सी टीवी अच्छी है, अगर आपके बजट में जो टीवी बैठ रही है वो ले लीजिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कन्फ्यूज जितना होंगे उतना आपका टेंशन बढ़ेगा कि भाई कौन सी टीवी ले, और आपको बोलते हैं ना तरह तरह के लोग आपको रिव्यू देंगे कि भाई ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं। तो आप मेरे हिसाब से एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मेरे हिसाब ये रहेगा कि अगर आपके बजट में बैठ रहा है जो टीवी वो ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सवाल जवाब का जो सिलसिला है वहाँ पर खत्म करते हैं, काफी सवालों को ले लिया आज के वीडियो में। नेक्स्ट Q&A कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल एकदम अच्छे खासे भर जाते तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब दूँ, आपके साथ इंटरेक्ट करूँ कि आपके बोलते ना कैसा चल रहा है लाइफ स्टाइल में, और बोलते हैं लॉकडाउन में क्या हालचाल चल रहे हैं, आप कौन सी टीवी लेना पसंद कर रहे हो। कोई भी सवाल है आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, और मैंने मेरे जो रिकमेंडेड टीवी हैं और इसी के साथ साथ AC है और जो भी मुझे जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है लिंक, आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल अभी लॉकडाउन में बोलते ना डिलीवरी बंद है, लेकिन जैसे भी खुलेगा आप चेकआउट कर सकते हो, आप परचेस कर सकते हो, और फिलहाल के लिए आप चाहिए तो ऐड टू कार्ट में भी करके रख सकते हो, तो आप इजीली बाद में प्रोडक्ट को बोलते ना रिडायरेक्ट होकर परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ साथ ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कीजिए, और जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।